हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए तीज स्पेशल खोए की स्वादिष्ट और शानदार मिठाई। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे एक बाउल। इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी मैदा, अब डाल देंगे 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 4 चम्मच खोया, 2 चम्मच नारियल पाउडर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, येलो फूड कलर, बिल्कुल बारीक कटे हुए काजू, किशमिश। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब हम ले लेंगे 1 कटोरी दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इनका हम डो तैयार कर लेंगे। डो बनकर देखिए तैयार है। 1 कटोरी दूध में सिर्फ 2 चम्मच दूध यूज किया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी गोली बना लेंगे। इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे। सारी लोई देखिए बन चुकी है। अब एक लोई ले लेंगे हम, हाथों से हल्का सा हम दबाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं दबाएंगे। इस तरह हम हल्का सा हाथों से दबाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और बीच में इस तरह फिर हम होल कर देंगे। अब इसके चारों तरफ हम डिजाइन बना देंगे। तो इसी तरह हम देखिए सारी मिठाई बना लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना। मिठाई देखिए तैयार हो गई है। अब इसको हम गीले कपड़े से इस तरह ढककर 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। और चलिए अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे। अब डाल देंगे इसमें 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी चीनी। गैस को कर लेंगे ऑन। चाशनी को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुका है। अब गैस को हम कर देंगे ऑफ। इसको रख के 2-3 मिनट हो चुका है। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। हम ले लेंगे 1 कढ़ाई और गैस को कर लेंगे ऑन। फ्राई करने के लिए इसमें हम अब डाल देंगे रिफाइंड घी। काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस को हम कर लेंगे लो फ्लेम पर। घी काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनको डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम दूसरे साइड पलट देंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। इन सबको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये भी सारी देखिए फ्राई हो चुकी है। अब गैस को कर देंगे ऑफ और इसे भी एक प्लेट में निकालेंगे और चाशनी में डायरेक्ट डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर इसी तरह रख देंगे। 1 चम्मच बचा हुआ खोया रखा हुआ था, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट हो चुका है। इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में देखिए निकाल चुके हैं। अब इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी चाशनी। चीनी और दूध मिक्स करके जो खोया तैयार किया है उसको हम इस पर डाल देंगे। अब इस पर हम डाल देंगे कटे हुए बादाम। तो
देखिए बनकर तैयार है तीज स्पेशल खोया मिठाई। तो ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।